चुनाव में प्रचार करने का मौका मिला। मैं देश के करोड़ों करोड़ों लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने अपनी दुआएं भेजी, उन्होंने अपना आशीर्वाद भेजा, जिसकी वजह से आज मैं जनता के बीच में वापस आया हूं। और मैं हनुमान जी का उनकी वंदना करता हूं, उनके चरणों में वंदना करता हूं, जिनके आशीर्वाद से आज मैं जेल से बाहर आया हूं। हमें सबको मिलके आज देश बहुत तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। हमारा देश 4000 साल से ज्यादा पुराना है। हमारा देश महान देश है, लेकिन जब जब इस देश पे किसी ने भी तानाशाही करने की कोशिश की, लोगों ने उसे कभी बर्दाश्त नहीं किया। आज देश तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। मैं तन मन धन से उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा हूँ, पर 140 करोड़ लोगों को मिलके इस तानाशाही को हराना होगा। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि हमें सबको मिलके देश को बचाना है। कल सुबह 11 बजे हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए हम सब लोग हनुमान मंदिर जाएंगे कनॉट प्लेस में। मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि सब लोग आए, सब लोग हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे। और 1 बजे पार्टी ऑफिस जाएंगे, पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और कल शायद साउथ दिल्ली में रोड शो है, उस रोड शो में पार्टिसिपेट करूंगा भगवंत मान साहब के साथ। थैंक यू। चुनाव में प्रचार करने का मौका मिला। मैं देश के करोड़ों करोड़ों लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने अपनी दुआएं भेजी, उन्होंने अपना आशीर्वाद भेजा, जिसकी वजह से आज मैं जनता के बीच में वापस आया हूँ। और मैं हनुमान जी का उनकी वंदना करता हूँ, उनके चरणों में वंदना करता हूँ, जिनके आशीर्वाद से आज मैं जेल से बाहर आया हूँ। हमें सबको मिलके आज देश बहुत तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। हमारा देश 4000 साल से ज्यादा पुराना है। हमारा देश महान देश है, लेकिन जब जब इस देश पे किसी ने भी तानाशाही करने की कोशिश की, लोगों ने उसे कभी बर्दाश्त नहीं किया। आज देश तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। मैं तन मन धन से उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा हूँ, पर 140 करोड़ लोगों को मिलके इस तानाशाही को हराना होगा। मैं लोगों से अपील करता हूं कि हमें सबको मिलके देश को बचाना है। कल सुबह 11 बजे हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए हम सब लोग हनुमान मंदिर जाएंगे कनॉट प्लेस में। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि सब लोग आए, सब लोग हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे। और 1 बजे पार्टी ऑफिस जाएंगे, पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और कल शायद साउथ दिल्ली में रोड शो है, उस रोड शो में पार्टिसिपेट करूंगा भगवंत मान साहब के साथ।